सर्कल्स हैं रेडियस आर के, कैपिटल आर के, इन सबके बीच में एक छोटा सर्कल है स्मॉल आर। आपको पूछा है स्मॉल आर बाई आर क्या होगा, तो बेसिकली ये जस्ट पिछला ही प्रॉब्लम है जो एर्थ प्रॉब्लम है, इसको मैं नाम देता हूं मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स नाइन्थ प्रॉब्लम, फाइंड स्मॉल आर बाई आर, राइट। क्या करिएगा, आपने अभी देखा कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ उसकी एल है, एल है, एल है, तो सेंट्रॉयड से जो कॉर्नर की दूरी है वो कितनी है, एल एल बाई रूट थ्री है, राइट, एल बाई रूट थ्री है, एल बाई रूट थ्री है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सेंट्रॉयड से जो बेस की डिस्टेंस है वो जो है एल बाई टू रूट थ्री है, एल बाई टू रूट थ्री है, ऐसा है। जो सर्कल इसको घेरेगा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, एल बाई रूट थ्री होगा। जो सर्कल इसे घेरेगा अंदर, इसे मैथ्स में बोलते हैं एक्स सर्कल, इसे बोलते हैं इन सर्कल, ये एक्स सेंटर, ठीक है, ये इसे इन सेंटर बोलते हैं, राइट। तो ये इन सर्कल हुआ और ये सर्कम सर्कल हुआ, राइट, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। खैर, यहां पे ट्रायंगल कहां है, ट्रायंगल हमारा दोस्त होता है, हम इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसका लेंथ क्या हो गया, 2R हो गया, राइट। तो इस ये मिल गया, ये इसका सेंट्रॉयड है, यहां से आप इसको मिलाइए, सेंट्रॉयड से कॉर्नर की दूरी कितनी होती है बताइए, सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी होती है, L by root 3। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस हुई वो होगी L by root 3, लेकिन L की जगह हम क्या यूज करेंगे, 2R, तो डिस्टेंस हो गई 2R। तो एक तो वो लॉजिक यूज करके जो भी यूज किए हैं, ये 2R by root 3 हो गया इतना डिस्टेंस। दूसरे तरीके से देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल R है और ये स्मॉल R है, तो क्या मैं इस टोटल डिस्टेंस को इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकता हूं, तो ये हो गया आपका कितना, आर कॉमन लीजिए, 2 बाई रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो गया आपका 2 बाई रूट थ्री माइनस 1, ये आंसर हो गया इसका, वेरी सिंपल। कल मैं एक काम करूंगा, ये सारे सर्किल आज इक्वल रेडियस के लिए हूं, कल कई सारी चीजें पूछूंगा मैं, ये वाला एरिया पूछ लूंगा आपसे, ये वाला एरिया पूछ लूंगा, तीनों सर्किल की एरिया अलग, रेडियस अलग कर लूंगा, फिर उनके बेसिकली कहां कहां यूज होता है। आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, ये लॉजिक वहां यूज होता है। आप फिजिक्स में सॉरी मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वहां यूज होता है, तीनों रेडियस का प्रोडक्ट आर वन आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई तीनों रेडियस का सम। तो कल मैं तीनों सर्कल का, नेक्स्ट लेक्चर में तीनों सर्कल का मैं रेडियस भी अलग कर दूंगा, तब मैं इसकी रेडियस पूछूंगा, और तब मैं बीच का एरिया निकालूंगा, और तीनों का प्रोडक्ट का और सम का रेशियो निकालूंगा, तो थोड़ा सा आपको एक समझ पैदा होगी सर्कल्स के, तीन सर्कल से घिरे हुए बीच में एक छोटा सर्कल है उसके बारे में। यहां तो सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल से काम हो गया है।